तो गाइस कल तो मतलब मजा ही आ गया था। टोनी स्टार्क के सारे $100 मिलियन के सूट्स को मैंने खरीद लिया और उसको वापस कर दिया, जिससे कि गाइस वो अवेंजर्स को अच्छी तरह से चला पाए और हमारी दुनिया को बचा ले। मतलब सही दिन था काफी। लेकिन आज तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं और दिन भी काफी अच्छा है भाई, मतलब मजा ही आ रहा है। एक मिनट गाइस, ये स्टार्क ही है ना? हाँ फ्रैंकलिन मैं ही हूँ भाई। मेरी बात सुन, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। क्या? लेकिन क्या परेशानी हो गई? कल तो सारी परेशानियां दूर की थी। अब नहीं फ्रैंकलिन, असल में कल तो तूने मेरे रेड डायमंड सूट्स का कलेक्शन बचा था, आज मेरे ब्लू आयरन मैन सूट्स को चुरा लिया गया है और उनको किसी ने सेल पे लगा दिया है। $100 मिलियन तक बेच रहे हैं वो। क्या? ब्लू आयरन मैन सूट्स को बेच डाला किसी ने? बिल्कुल भाई, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। मेरे पास बस अब एक सूट बचा है, वो भी $1 का ब्लू वाला। प्लीज तू उसको ले ले और बाकी सूट्स को बचा ले किसी भी तरह से, खरीद वरीद के उनको। लेकिन मैं कैसे खरीदूंगा भाई, मेरे पास कोई पैसे नहीं है अब। उसके लिए तुझे फ्रैंकलिन कमाने पड़ेंगे पैसे। अरे यार ऐसे कैसे हो जाए। अच्छा चल ठीक है, तू मुझे दे दे। हाँ तो मैं तुझे $1 वाला सूट दे रहा हूँ। तो गाइस टोनी स्टार्क मुझे $1 का सूट दे रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चाहते हो मैं आज $1 से $100 मिलियन तक का ब्लू आयरन मैन का सूट ले लूं। देखिए गाइस, ये $1 का सूट तो बड़ा ही गरीब सा लग रहा है। हाँ फ्रैंकलिन, लेकिन चिंता मत कर, तू मेहनत कर, मिशंस कर, पैसे कमा या फिर बुरे लोगों को पीट, उनसे पैसे छीन और प्लीज मेरे सारे सूट को खरीद कर वापस दे दे, क्योंकि दुनिया को बचाने का सवाल है भाई, कसम से। हाँ मैं समझ गया। तो गाइस चलो, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और जाकर कुछ ऐसे मिशन ढूंढने होंगे जिसका इस्तेमाल करके गाइस हमें पैसे वैसे मिले और हम सबसे पहले खरीदेंगे $10,000 वाला आयरन मैन का सूट, जिसमें हमें कुछ पावर्स मिल जाएंगी, नए नए गैजेट्स मिल जाएंगे, तो मतलब ओवरऑल बहुत कुछ बेटर ही हो जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और जाकर देखते हैं। एक मिनट गाइस, ये बंदा रो क्यों रहा है? अरे मैं बर्बाद हो गया, कुछ गुंडों ने मेरे बहुत सारे पैसे चुरा लिए। क्या भाई, ऐसे कितने पैसे थे भाई? कम से कम $20,000 चुरा लिए, मैं बहुत गरीब हो गया, प्लीज मेरी मदद कर दे। अगर तू मेरी मदद करेगा उसमें से $5,000 मैं तुझे दे दूंगा, $15,000 मुझे दे दियो। ओ तो गाइस कुछ बुरे लोगों ने इसके $20,000 चुरा लिए, तो हमें ना उनको बचाना होगा। और अगर मैंने इसके पैसे बचा लिए तो ये $15,000 खुद रख लेगा और $5,000 मुझे दे देगा। मतलब गाइस आधा पैसा तो हमें मिल ही जाएगा और आधा पैसा कहीं और से ले लेंगे, मतलब $10,000 का हम एक ब्लू आयरन सूट वाला ले ही लेंगे। तो गाइस यहां पर मैं ना उन लोगों के पास आ गया हूं जिन्होंने उसके पैसे चुराए हैं। तो गाइस किसी भी हालत में हमें एक ऐसा बॉक्स ढूंढना होगा जिसमें वो $20,000 छुपे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, छुप छुप के जाते हैं, क्योंकि मेरे पास ना गाइस अभी पावर्स है नहीं बिल्कुल भी, तो मैं लड़ नहीं सकता इन लोगों से, इसलिए मुझे छुप छुप के इस मिशन को अंजाम देना होगा। तो देखिए यहाँ पर एरिया बिल्कुल ही ज्यादा डार्क है और गाइस ये बंदे यहीं पर बैठे हैं, कहीं मुझे देख ना ले। गाइस चुपचाप जाता हूँ और जाकर उस $20,000 के बॉक्स को उठाता हूँ, लेकिन यार वो होगा कहाँ पर, मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा। देखिए गाइस ये तीनों बंदे यहाँ पर हैं, इन्हीं के पास वो पैसा होना चाहिए। अरे भैया को मार रहा हमको, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। चलो पैसे निकालो जल्दी से, वो $20,000 कहाँ पर है? अरे भैया बताते हैं, वो बच्चन बक्से अंदर रखे हैं। ओ तो गाइस किसी बक्से में अंदर रखे हैं, तो हम अंदर आ गए यहाँ पर, हमने उन तीनों को तो पीट दिया है। लेकिन गाइस यहाँ पर तो यार कोई बक्सा मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है खास, इसको भी पीट कर देखते हैं, क्या पता ये भी कुछ बताए। अरे नहीं, ये तो बेहोश ही हो गया भाई डायरेक्ट। अरे कोई मुझे बता दो भाई $20,000 कहाँ पर है। अरे नहीं गाइस ये तो बड़ा ही कठिन मिशन हो रहा है। खैर कोई नहीं, हमें जल्दी यहाँ पर खुद ही चेक करना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, यहाँ पर देखिए एक अलग बॉक्स रखा है छोटा सा बीच में, मुझे क्या लग रहा है जरूर इसमें ही पैसे होंगे। तो गाइस हम एक काम करते हैं, इसी वाले बॉक्स को उठा लिए और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं और उस बंदे को जाकर दे देते हैं, इससे पहले कि कोई और आ जाए और हमसे इन पैसों को छीन ले। ऐसे भी मेरे पास पावर नहीं है। अरे भाई तू आ गया। बिल्कुल भाई, ये देख यही बॉक्स है ना। अरे बिल्कुल भाई यही बॉक्स है, इसी में $20,000 है मेरे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तेरा यार, मैं तुझे देना चाहता हूँ खुशी में $5,000। शुक्रिया सो मच। गाइस क्या बात है यार, हमने इस बंदे की मदद की और अब हमें ये $5,000 दे रहा है। देखिए मेरे अकाउंट में टोटल $5,000 ऐड हो चुके हैं। Yes, लेकिन गाइस यार $5,000 इनफ नहीं है, हमें टोटल $10,000 चाहिए किसी नए सूट को बाय करने के लिए, वो भी ब्लू वाले को। तो उसके लिए हमें और पैसे कमाने होंगे या कहीं ना कहीं से लेने होंगे। तो गाइस यहाँ पर ये कौन है? हे मजा आया क्या? पैसा ही पैसा। गाइस ये तो हल 2099 है भाई, अपनी सुपर कार में जा रहा है। एक मिनट गाइस, इसके पास तो बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है। ओ माय गॉड, देखिए इसके पीछे। ओए पैसा ही पैसा मेरे पास, तो चलो जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे गाइस ये पैसा मुझे मिल गया, तो मैं तो बहुत ही अच्छा
अच्छा खासा वाला सूट ले सकता हूँ। वैसे भी गाइस ये 2099 बुरा हल्क है, जरूर किसी से पैसे चुरा के ला रहा होगा, तो मैं ना अच्छे काम के लिए इन पैसों का यूज कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ना पैसे, ओ माय गॉड कितने सारे, देखिए और मैंने पैसों को ले लिया, भगो यहाँ से मेरे पास टोटल हो चुका है $10,000। इसका मतलब गाइस अब हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ कोई देख ना पाए, कभी 2099 को पता चले कि मैंने उसके पैसों से अपना सूट अपग्रेड किया तो वो छोड़ेगा नहीं। तो गाइस यहीं पर अब हम अपग्रेड होने जा रहे हैं एकदम अंधेरे में। तो गाइस 1 2 3, अरे वाह गाइस मैं तो यहाँ पर ब्लू स्टील सूट बन गया, वो भी $10,000 में। लेकिन गाइस मेरे पास फिर से बैलेंस जीरो हो चुका है और मुझे बाकी के सूट्स अगर बाय करने हैं तो उसके लिए ना और मिशन करने होंगे और भी ज्यादा पैसे कमाने होंगे। तो गाइस मैंने अभी पता चला है यहाँ पर ना क्राइम चल रहा है और स्पाइडरमैन शहर से बाहर गया, तो मुझे इनको पीटना होगा। अरे भाई स्पाइडरमैन नहीं तो आयरन मैन मार रहा है। बिल्कुल भाई मैं मारूंगा। और गाइस जैसे ही मैं लोगों को पीट रहा हूँ मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन गाइस नेक्स्ट सूट जो हमें खरीदना है वो खरीदना है $50,000 का। तो गाइस जल्दी से हमें सारे के सारे पैसे कलेक्ट करना होगा। अबे रुको कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, चोरी करते हो। अरे भैया ये क्या चल रहा है, हमारे शहर में कोई नया आयरन मैन आ गया ब्लू वाला, लगता है टोनी स्टार्क अभी भी अपने सूट को वापस लेने की कोशिश कर रहा है। जल्दी जल्दी जाके बॉस को बताना पड़ेगा। बॉस बॉस क्या बात है? अरे मैं बात सुनिए, वो फ्रैंकलिन नाम का बंदा टोनी स्टार्क के सारे सूट्स को खरीद के उसको वापस देना चाहता है, इससे आपका धंधा चौपट हो जाएगा, आपके लोग चोरी नहीं कर पाएंगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऐसी बात है क्या, फिर तो मैं उसको पीट दूंगा जिससे कि वो पैसे ना कमा पाए और टोनी स्टार्क के सारे सूट ना छीन पाए या फिर जो खरीद ना पाए, जो भी हो तुम मुझे उसकी लोकेशन बताओ। जी बॉस असल में मेन चौक के चौथी वाली गली में हमारे लोगों को पीट रहा है। ऐसी बात है, मैं अभी जाता हूँ और जाकर उस फ्रैंकलिन को सबक सिखाता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई पैसे कमाकर टोनी स्टार्क के सूट खरीदने की, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे गाइस ये क्या, ये तो ब्लू रिवेंजर हल्क है, इसका मतलब गाइस जरूर इसी ने टोनी स्टार्क के सारे सूट्स को चुराकर सेल पे लगा दिया जिससे कि कोई भी उनको खरीद ले। बिल्कुल सही कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे छोड़ मुझे, मैं तेरे सारे सूट्स को खरीद लूंगा और टोनी स्टार्क को वापस कर दूंगा उसी के सूट्स को। बकवास बंद कर, अब मैं तुझे जेल में बंद कर दूंगा, ये ले देख मैं कितना पैसा कमाता हूँ, मेरे लोग कितना पैसा कमाते हैं समझा, तू इन पैसों को हाथ भी नहीं डाल पाएगा। ए सुनो रे इसका ध्यान रखना, ये यहाँ से भगने ना पाए, और इसका ब्लू स्टील वाला सूट भी चुरा लो और इसको सेल पे लगा दो, कम से कम $50,000 में बेचेंगे इसको हम। अरे नहीं गाइस ये तो भग गया मुझे यहाँ बंद करके, हाँ मजा आ गया बाकी पैसे कमाता हूँ। तो गाइस मेरे पास फिलहाल $20,000 है और मुझे ये सारे पैसे भी चाहिए और गाइस उसके लिए मैं जाल दौड़ दूंगा। अरे भैया ये का सारे डब्बा मार दिया बचाओ। तो गाइस यहाँ पर मैं जितने भी लोग थे इन सबको पीट कर यहाँ जितने पैसे हो सके इनको लेके भाग जाता हूँ, क्योंकि गाइस इतने पैसों में तो मैं काफी सूट्स खरीद सकता हूँ टोनी स्टार्क के, लेकिन मैं ना सारे पैसे ले जा नहीं सकता क्योंकि गाइस मेरे पास फिलहाल इतना स्पेस नहीं है और ना ही टाइम है, इससे पहले ब्लू रिवेंजर है हम यहाँ से भाग लेते हैं। और गाइस मेरे पास टोटल हो चुके हैं अभी $50,000। अब जल्दी से हम ना किसी जगह छुपते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं इससे पहले कि गाइस हमें ब्लू रिवेंजर हल्क पीटने लगे। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पर हम तो $50,000 वाले आयरन मैन बन चुके हैं, वो भी ब्लू वाले, और कितने ऑसम लग रहे हैं। जल्दी जल्दी जाता हूँ, और एक मिनट ये क्या, अरे वो फ्रैंकलिन कहाँ चला गया, अरे नहीं वो तो मेरे पैसे भी चुरा के ले गया। अरे बॉस बहुत जोर से मार के गया है बॉस, वो उसके पास आयरन मैन की शक्ति थी। अरे बेवकूफ हो तुमने उसको पीटा क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं बुलाया। अरे बॉस वो बहुत तेजी से भाग गया, सारे पैसे नहीं चुरा पाया लेकिन कम से कम $30,000 लेके भाग गया वो। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी ढूंढ लूंगा उसकी हिम्मत कैसे हुई, कहाँ पर है तू फ्रैंकलिन, मैं तुझे खत्म कर दूंगा अभी तुझे बताता हूँ। अरे गाइस ये क्या, ये तो ब्लू रिवेंजर हल्क आ गया। बहुत हो गया गाइस, अब तो हम भी अपग्रेड हो चुके हैं $50,000 के आयरन मैन के सूट में। और गाइस अगर मैंने ब्लू रिवेंजर को हरा दिया तो कम से कम मुझे $1,000,000 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि गाइस नेक्स्ट सूट जो मुझे खरीदना है वो $1,000,000 का ही है, उसके लिए मुझे इसको तो हराना होगा। मैं कोई मछली नहीं हूं जो तू मुझे पकड़ के पीट देगा। अच्छा बेटा तो आजा आज 1v1 करते हैं और देखते हैं गाइस कौन जीतेगा। वैसे गाइस अगर आप चाहते हैं मैं जीतूं तो कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी जरूर लिखना, अगर आप मेरी तरफ हैं तो कमेंट में यस लिख दो या फ्रैंकलिन ओपी, उससे ना मुझे मोटिवेशन मिलेगी और हम इस ब्लू हल्क को हरा कर रहेंगे। ये ले दे तो क्या ही पीट रहा हूं गाइस मैं इसको। फ्रैंकलिन तू बचेगा नहीं। अच्छा तू भी नहीं बचेगा, ये ले। तो गाइस हमने यहां पे ब्लू रिवेंजर को बहुत अच्छी तरह से पीट रहे हैं, उसकी वजह से अब ये बहुत जल्दी हार मान लेगा। अरे मैं हार मानता हूं प्लीज, चाहे तो $1,000,000 ले ले मुझे छोड़ दे। क्या बात है गाइस, ये हमें पूरे $1,000,000 देने के लिए तैयार है, तो क्यों ना हम $1,000,000 ले ले और उसका एक बढ़िया सा नया सूट खरीद लें। अरे वाह मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो चुके हैं और अब मेरे पास टोटल $1,000,000 हो गए। तो गाइस जल्दी से किसी सेफ जगह जाते हैं और इन पैसों का यूज करके अपने नए
$1 million के ब्लू आयरन मैन के सूट को खरीद लेते हैं। तो गाइस क्यों ना अब हम अपग्रेड हो जाएं $1 million के सूट में। अरे वाह, मैं तो ब्लू पनिशर हल्कबस्टर बन गया। लेकिन गाइस सोचिए, अभी तो ये $1 million का आयरन मैन का सूट है, जब गाइस मेरे पास $100 million होंगे तो मैं तो जायंट ब्लू हल्कबस्टर बन सकता हूँ, मजा ही आ जाएगा। लेकिन उसके लिए ना गाइस कम से कम $100 million हमारे पास पहले होने चाहिए। तो यार हमें $100 million मिलेंगे कहाँ पे, हमें ये फाइंड करना होगा। एक मिनट गाइस, यहाँ तो बहुत खतरनाक हल्क है, और ये किस तरह की जादूगर टाइप की मशीन है, मुझे देखना पड़ेगा भाई। ओ माय गॉड, यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे सुनना पड़ेगा। तो गाइस मैंने अपना ड्रोन सेट कर दिया है, अब मेरे फोन से इनकी आवाज आएगी, मजा आ जाएगा, इस वाली मशीन को हम $100 million का बेचेंगे, वो बड़ा सा बिलियनर आता ही होगा, हम उसको बेच देंगे। क्या गाइस, ये इस मशीन को $100 billion का बेचना चाहते हैं? अबे बेवकूफ, $100 billion नहीं, $100 million। मतलब हाँ सॉरी, मेरे सुनने में गलती हो गई थी। इसका मतलब गाइस मुझे $100 million तो चाहिए थे, इसका मतलब अगर हमें $100 million मिल गए तो गाइस हम तो दुनिया के सबसे ज्यादा richest ब्लू जायंट आयरन मैन बन जाएंगे। अब तेरा बस की नहीं है फ्रैंकलिन, निकल जाए यहाँ से, और ये सूट भी हमें दे दे, ये कम से कम $1 million का तो होगा। बिल्कुल सही कहा, मेरे पास है $1 million का सूट और मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। गाइस अगर मैंने इनको हरा दिया और इनकी मशीन को $100 million में बेच दिया तो गाइस मुझे तो सारे सूट ही मिल जाएंगे, मतलब टोनी स्टार्क के जिंदगी, और हम अवेंजर्स को फिर से बचा लेंगे और इस दुनिया को भी। लेकिन गाइस उसके लिए हमें सबको हराना पड़ेगा, इसलिए कॉमेंट में आप जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिखो प्लीज मेरे लिए, जो मेरी साइड में प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखना, जैसे कि हम इनको अपको बेटे। अबे फ्रैंकलिन छोड़, हमें नहीं छोड़ेंगे, मैं तुम्हें छुप को पीट दूंगा। अरे वाह गाइस, मैंने यहां पर गोल्डन रिवेंजर को भी हरा दिया और साथ-साथ में रेड हल्क को भी, मतलब अब समय आ गया इस बड़ी सी मशीन को बेच देने का। लेकिन गाइस इस मशीन को बेचने के लिए वो बिजनेसमैन भी तो चाहिए, तो गाइस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता वो खुद ही यहां पर आ जाए। वैसे भी रेड हल्क बोल रहा था कि वो कुछ टाइम में आने वाला है इस मशीन को खरीदने के लिए, तो चलो हम यहां पे आराम से वेट कर लेते हैं। एक मिनट गाइस, को याद हो रहा है मशीन चाहिए। गाइस ये तो गोल्डन बुगाटी है, ये आदमी तो कुछ ज्यादा अमीर लग रहा है। अरे बेटा तुम ही हो क्या वो, एक मिनट, यहाँ पर तो रेडल कोने वाला था, तुम कौन हो? अरे मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, असल में उसको कुछ काम आ गया था, वो बहुत अच्छा है ना, इसलिए वो कहीं और चला गया। आप चिंता मत कीजिए, आप पेमेंट मुझे कर दीजिए और मशीन ले जाइए, मैं उसको बता दूंगा। ऐसी बात कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये मशीन बहुत ज्यादा जरूरत में है, इसलिए मैं तुमको $100 million देता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो ये तुम ब्लू हल्कबस्टर हो तो तुम्हारे अकाउंट में मैंने करे $100 million ट्रांसफर, ठीक है बेटा, कुछ ही देर में तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे वाह गाइस, हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने स्टार्ट हो गए, देखिए और मेरे पास टोटल $100 million हो गए, मैंने उस मशीन को बहुत सही बेच दिया, मजा ही आ गया। तो क्यों ना गाइस अब $100 million में इस दुनिया का सबसे ही बड़ा जायंट ब्लू आयरन मैन का सूट खरीद लिया जाए। देखिए मैं कितना ही ऑसम लग रहा हूं, ओ माय गॉड गाइस, इस सूट की तो पावर भी बहुत खतरनाक ही है। वैसे भी गाइस ये सूट हमारे पास तो रहेगा नहीं कुछ टाइम के लिए ही है, इसको तो टोनी स्टार्क के पास ही जाना है, तो क्यों ना थोड़े बहुत मजे ले लिए जाए, मतलब इस सूट का यूज करके, इसकी पावर्स यूज करके, बहुत ही मजा लग रहा है। ये सूट आपको कैसा लगा जल्दी कमेंट में बताइए, अच्छा लगा तो गुड, नहीं लगा अच्छा तो बैड, बाकी आप अपने हिसाब से रेटिंग दे सकते हैं। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।